हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो मैं टर्म सिंबल और माइक्रोस्टेट्स आपको ऑलरेडी निकालना सिखा चुकी हूँ पहले वाले वीडियोस में। अब हम सीखने वाले हैं कि टर्म सिंबल्स कैसे निकालते हैं, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जनरली क्या होता है टर्म सिंबल्स आपसे पूछ लेते हैं। अब टर्म्स में और एटॉमिक मतलब टर्म और टर्म सिंबल में क्या डिफरेंस है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग वाली वीडियो में बताया था कि 2s+1 LJ, ये जो होता है फॉर्मूला ये किसका होता है, टर्म सिंबल का। ये है टर्म सिंबल, और जो मैंने आपसे इससे प्रीवियस वीडियो में सिखाया है 2s+1 L, जो ये वाला होता है ये होता है एटॉमिक टर्म का फॉर्मूला। एटॉमिक टर्म को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म भी बोल देते हैं। तो कई बार एग्जाम में स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म करके आता है तो वो यही पूछा जा रहा है 2s+1 L। तो ये मैं आपको निकालना ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, अब हम ये कैसे निकालेंगे 2s+1 LJ वो मैं आपको इस वाली वीडियो में सिखाने वाली हूँ। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन सबको हम सोल्व करेंगे जैसे प्रीवियस वीडियो में किया था हम। तो हमें सिर्फ क्या सीखना है, जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस हमें कैसे निकलेगी, बस हमें यही सीखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो वैलिडियम 3+ के लिए हमें क्या करना है, हमें टर्म सिंबल निकालना है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि हम ग्राउंड के टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ग्राउंड स्टेट सिंबल है कौन सा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वैलिडियम जो होता है उसकी कॉन्फिगरेशन होती है स्कैंडियम टाइटेनियम वैलिडियम D3, इस तरह से होती है। अगर हम बात करें V3+ की तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकला, कितने बचे, दो। तो मतलब हमें D2 के बारे में बात करनी है, मैंने आपको पहले से सिखाया कैसे करते हैं, आप पहले D के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करेंगे ऐसे, और फिर +2, +1, 0, -1, -2, इस तरह से इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, इस तरह से फिल कर दिए। अब क्या होता है, देखो जो पहले वाली वीडियो थी मैंने आपको सिर्फ बताया था कि जो L होता है, L की वैल्यू उसको हम ये लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है वो ये है, L1+L2 से लेके L1-L2, एक ये फॉर्मूला है और एक ये होता है, ये दोनों ही फॉर्मूला है, बट ये किस केस में यूज होंगे, अगर हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे वाले केसेस में यहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्बिटल्स गिवन है, उस वाले केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे इन दोनों केसेस में। लेकिन अगर जैसे ये है वैलिडियम, ये A के डी ऑर्बिटल की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, सेम ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, यहाँ पे समीशन वाला लगाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, L की वैल्यू +2, +1, मतलब होगी हमारे पास 3 वैल्यू। और L के लिए मैंने आपको बताया था अगर 0 होता है तो S1P2D3F, इस तरह से होता है, तो 3 से हमारा आ गया F। उसके बाद हम निकालते हैं, हमारा फॉर्मूला है 2s+1 LJ। अब हमें निकालना है स्पिन की वैल्यू, स्पिन कैसे निकालते हैं, स्पिन हो सकती है S1+S2, ये वाला फॉर्मूला कॉमन रहता है, चाहे आपके पास ऐसे वाला एग्जाम्पल हो या फिर ऐसे वाला एग्जाम्पल हो। तो यहां से क्या हो जाएगा S1-S2। अब स्पिन कितनी हो सकती है, स्पिन हमारे पास ½+½ 1, मतलब ½+½ से लेके कहां तक, ½-½ तक, तो ये कितनी हो जाएगी 1, और ये वाली कितनी है 0। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का ही, तो हमें कुछ माइनस करने की नीड नहीं है, हम उसको इतना ही लेंगे। अब हमने क्या करना है, L की वैल्यू है हमारे पास F, मतलब 3, और वहां से हो जाएगा F। 2s+1 की वैल्यू, एक 1 पॉसिबल है S की वैल्यू, तो कैपिटल S ही करेंगे, S की वैल्यू अगर 1 होगी तो 2 × 1 2+1 3, तो ये हो जाएगा 3F, ठीक है। एक KF आ गया हमारे पास, अगर मैं इसकी वैल्यू 0 रख दूं S की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1F। तो ये दो हमारे पास क्या हो गया, एटॉमिक टर्म्स आ गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है टर्म सिंबल, मैं अब इस 3F और 1F के लिए निकालूंगी टर्म सिंबल। तो यहां तक एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले वाले वीडियो में भी सीखा था, बस इंक्रीज कहां पर हुआ एक स्टेप, वो सिर्फ जे की वैल्यू निकालने के लिए। अब देखो जे की वैल्यू जो होती है उसका फॉर्मूला है L+S से लेके वैल्यू वेरी करेगी L-S तक, इतना ठीक है। हम बात कर रहे हैं 3F की, यहां पर S की वैल्यू कितनी है, यहां पर S की वैल्यू थी 1। अभी कैसे निकालोगे आप, सपोज करो आपके पास क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग V3+ एग्जामिनर ने आपको दे दिया डायरेक्टली 3F जो है, इसके लिए आपको बतानी है टर्म सिंबल कौन से पॉसिबल होंगे, तो आप क्या करोगे, इसके लिए आपको 3F गिवन है सपोज, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला होता है 2s+1 और यहां पर होता है L, तो L का आपने निकालना है कि L की वैल्यू कितनी होगी, कि F आए 0, 1, 2, S, 3, D, F, तो यहां पर 3 जब वैल्यू होगी तो
तो यहाँ से तो वैल्यू मिलेगी एल की वैल्यू होगी थ्री हमारे पास, और ये क्या है 2s plus 1 इज इक्वल टू 3, 2s इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2, s इज इक्वल टू 1, हमारे पास आ गई s की वैल्यू 1, l की वैल्यू 3। अब यहाँ पर प्रूव करते हैं l प्लस s, l कितना है 3, स्पिन कितनी है 1, 3 प्लस 1 चलेगी कहां तक 3 माइनस 1 तक, ये कितना होता है 4, 3 माइनस 1 2। अब मैंने आपको बताया था वैल्यूज हम बीच कैसे करते हैं, सिर्फ 1 1 माइनस करते हुए जाते हैं, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, बस ये आपकी वैल्यूज होगी। ये हमारे पास जे की वैल्यूज आ गई, बस हम उसको कैसे लिखेंगे 3f, ये तो कॉमन है, और जे की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 3f, जे की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 3f सेम रहेगा और जे की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो कई बार एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन कि जो 3f टर्म है इसके, जो 3f टर्म आपको गिवन है इसके लिए नंबर ऑफ जे वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, तो जे वैल्यूज कितनी पॉसिबल है 3, 4, 3, 2, ये वाली वैल्यूज पॉसिबल है, नंबर ऑफ जे वैल्यूज 3, इस तरह से आपको करना होता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कई बार एग्जाम में आपसे क्या पूछते हैं कि इनमें से ग्राउंड स्टेट, ये वाली टर्म होते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये अगर हम बात करें ग्राउंड स्टेट की तो उसके लिए टर्म सिंबल क्या होगा, टर्म सिंबल ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप क्या करोगे, देखो हम बात किसी कर रहे थे वी थ्री प्लस की, और वी थ्री प्लस के लिए क्या था, दो इलेक्ट्रॉन्स थे इस तरह से, है ना। तो अब क्या करेंगे ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होता है हमारे पास, हम सबसे पहले देखते हैं, देखो मैं यहाँ पे तीन एग्जांपल लिखे हुए हैं, ये तीनों ही अलग अलग वेक्टर, मतलब तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के एग्जांपल्स हैं। इसमें आपको क्या करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म अगर निकालनी है उसके लिए सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपको सपोज करो मैं पूछ लू इन तीनों में से ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो सकती है किसी भी, सपोज करो ये पी टू पी टर्म्स है, आपको एग्जाम्पल इतना दे दिया कि ये सब है, इसमें आपको बतानी है ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं जिसकी वैल्यू सबसे फर्स्ट क्या लेंगे आप स्पिन, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी स्पिन की वो होगी उसकी ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे स्पिन की वैल्यू सबसे ज्यादा है थ्री वाले की, तो ये हमारा जो ये है ये हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो इनमें से आपको बताना है ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी, और यहाँ पे स्पिन है थ्री थ्री और यहाँ पे वन है, इस वाले ऊपर वाले टर्म को देखो, अब दोनों की सेम होगी तो आप कैसे करेंगे इन दोनों को आइडेंटिफाई कि इनसे कौन सी होगी ग्राउंड स्टेट, अगर स्पिन से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो हम क्या देखेंगे एल वैल्यू, F के लिए क्या होती है L वैल्यू 3, P के लिए होती है 2, तो जिसकी L वैल्यू ज्यादा होगी वो होगी हमारी ग्राउंड स्टेट, मतलब ये जो ये वाली टर्म है ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म है, ठीक है। पहले देखेंगे स्पिन, देन उसके बाद देखेंगे L की वैल्यू। अब थर्ड कैटेगरी देखो यहाँ पर स्पिन भी सब में सेम है 3, 3, 3, जो 2s plus 1 वाली जो टर्म है 2s plus 1 वाली जैसे फॉर्मूले में जो होती है वो भी सब में क्या है सेम 3, 3, 3, और जो L की वैल्यू है सेकेंड जो देखते हैं हम F वो भी सबकी सेम है, तो इस वाले केस में कैसे बताएंगे ग्राउंड स्टेट कौन सी है, तो क्या करें हम यहाँ पर होता है जे की वैल्यू एल प्लस एस होती है स्टेट मतलब टर्म, और एक होती है जे की वैल्यू एल माइनस एस, जो फर्स्ट वाली वैल्यू सबसे हाईएस्ट वाली वो कौन सी होती है एल प्लस एस, और जो सबसे कम वाली वैल्यू है ये कौन सी होती है एल माइनस एस, जैसे मैंने आपको यहाँ पर सिखाया एल प्लस एस जो हाईएस्ट वैल्यू है और एल माइनस एस लोएस्ट वैल्यू। तो अगर देखो अगर हमारे पास जो ये ऑर्बिटल्स हैं अगर ये मोर देन हाफ फिल्ड है तो हमारे पास जो एल प्लस एस वाली वैल्यू वो होगी हमारी ग्राउंड स्टेट। अगर ये लेस देन हाफ फिल्ड है यहाँ पर देखो हाफ फिल्ड का मतलब अगर डी ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये क्या है हाफ फिल्ड, तो ये होता है ठीक है, मतलब सब में क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैंने एक इलेक्ट्रॉन और एड कर दिया तो ये क्या है मोर देन हाफ फिल्ड। अगर ये मोर देन हाफ फिल्ड है और फिर हमें बताना है इसके लिए, तो इस वाले केस में क्या करेंगे हम जब मोर देन हाफ फिल्ड हो तो एल प्लस एस वाली वैल्यू को हम ग्राउंड स्टेट मानते हैं, मतलब ये वाली हो जाएगी इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म अगर हमारे पास ये वाली कॉन्फिगरेशन है। बट अगर ये है लेस देन हाफ फिल्ड तो जो एल माइनस एस वाली है इसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट जो की ये वाली वैल्यू हो जाएगी 3f2, इस तरह से हम निकालते हैं ठीक है। अब नेक्स्ट के जाते हैं, अब नेक्स्ट देखते हैं क्रोमियम 3+ फॉर एग्जाम्पल, या फिर हम एक काम करते हैं क्रोमियम अपने आप से कर लेना मैं निकल करवा दूंगी ठीक है। निकल 2+ की अगर बात करेंगे तो ये क्या है डी एट होता है, डी एट का हम ड्रो कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होगा +2, +1, 0, -1, -2। सबसे पहले क्या करेंगे एल की वैल्यू निकालेंगे, एल की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए +2 इसके लिए भी +2, +2, +2, +1, +1, 0, 0,
जीरो प्लस जीरो, इधर से माइनस वन, इधर से माइनस टू। तो अब देखो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस टू माइनस टू कैंसिल, कितना बचा टू प्लस वन मतलब थ्री। एल की वैल्यू है थ्री। एस की निकाल लेते हैं, एस कैसे निकालते हैं, एस वन प्लस एस टू, या फिर यहाँ पर तो हमें एस वन एस टू करने की भी नीड नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, जैसे यहाँ पे तो क्या है इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे हैं इसमें, यहाँ पर भी कैंसिल हो रही है, यहाँ पर भी कैंसिल हो रही है आपस में। अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे है, तो इससे प्लस हाफ हो गई उसकी माइनस हाफ हो जाएगी, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितने इसकी बचे है हाफ, इसकी बची है हाफ, ठीक है। तब इसमें कितनी हो जाएगी हाफ प्लस हाफ वन, ये हो गया आपकी एस की वैल्यू और ये है आपकी एल की वैल्यू, इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एल अगर थ्री होता तो कितना होता है एफ, और अगर ये वन है तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस वन इज इक्वल टू थ्री। अब हमें फिर से क्या करना है इसके लिए, जे की वैल्यू निकालनी है। जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक ऐसे निकालते हैं। और जैसे ऐड करेंगे थ्री प्लस वन फोर, और माइनस करेंगे तो थ्री प्लस थ्री माइनस वन टू, मतलब बीच में आएगा थ्री। अब ये आपके पास आ जाएंगे फाइनली, हमारे पास टर्म सिंबल हो जाएंगे थ्री एफ फोर, थ्री एफ थ्री, थ्री एफ टू। अब हमें बता रहे हैं इनमें से ग्राउंड स्टेट कौन सी है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है मोर देन हाफ फिल्ड। तो हम क्या करेंगे जो J इज इक्वल टू एल प्लस एस वाले जो भी टर्म है उसको हम क्या मानेंगे ग्राउंड स्टेट, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है ये वाली हमारे पास क्या हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। अगर हम बात करते हैं वैनेडियम थ्री प्लस की, वो क्या था लेस देन हाफ फिल्ड, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म थी। अब है निकल टू प्लस मोर देन हाफ फिल्ड, तो ये है हमारी ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ऐसे आप नाइट्रोजन के लिए भी कर लोगे, इजी रहेगा। अब सिर्फ हमको करवाने हैं ये दोनों। आपको क्या करना है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। मैं आपको सिखाने के लिए तो सिखा दूंगी पूरा कैलकुलेट कैसे करना है, बट एग्जाम में कैसे होता है, अगर आपको सपोज कोई मेटल दिया हुआ है और या फिर सपोज आपको इस तरह से कोई कॉन्फिगरेशन दे रही है एस वन थ्री वन, इस तरह से आपको दी हुई है, तो इस वाले केस में आप क्या करोगे एल की वैल्यू कैसे निकालोगे समेशन ऑफ एल से, और स्पिन की वैल्यू कैसे निकालोगे समेशन ऑफ ऑल स्पिन्स, जितने भी स्पिन सबका सम कर दोगे। और यहां पर आप क्या करोगे एल की वैल्यू एल वन प्लस एल टू से लेके, ये इंपॉर्टेंट है आप उसको याद रखो, ऐसे करोगे यहां पर स्पिन की वैल्यू कैसे निकालोगे एस वन प्लस एस टू से लेके एस वन माइनस एस टू, ऐसे करोगे, ठीक है। इन दोनों को नोट करो, जो मैंने पहले करवाया था वैलिडियम थ्री प्लस, उसमें मैंने क्या किया था आपको ये वाला फॉर्मुला लगाने के लिए बोला था, बट एग्जाम में कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाती है, आप वो वाला मत लगाओ, बस ऐसे ध्यान रखो कि जो ये है एस वन पी वन, अगर इस तरह से आपके पास कॉन्फिगरेशन आए तो आप ये वाला फॉर्मुला लगाओगे। अगर आपसे पूछा हुआ है डायरेक्ट मेटल की बात हो रही है मेटल एन की, तो आप ऐसे वाला फॉर्मुला लगाओगे बस, ये दोनों, ठीक है। और उसके बाद कैसे देखेंगे जे की वैल्यू, मतलब कैसे देखेंगे ग्राउंड स्टेट कौन सी है, एल प्लस एस होगी और एल माइनस एस होगी, तो इन दोनों में से कौन सी होगी वो कैसे देखेंगे, अगर ये क्या है मोर देन हाफ फिल्ड और ये क्या है लेस देन हाफ फिल्ड, मोर देन हाफ फिल्ड, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। अब बस मैं आपको एक और करवा देती हूँ, बाकी आप खुद से भी कर लोगे। जैसे पहले बात कर रहे थे एस वन पी वन की, अगर ये है एस वन पी वन, तो एस के हम कैसे करेंगे, ये ऑर्बिटल यहां पर बनाया, पी की होते हैं तीन, प्लस वन जीरो माइनस वन ये जीरो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे समेशन ऑफ सॉरी एल वन प्लस एल टू से लेके एल वन माइनस एल टू तक। एल वन क्या है जीरो प्लस वन से लेके जीरो माइनस वन, मतलब क्या है वन, और ये भी क्या आएगा माइनस वन आएगा, मोड लगा हुआ है तो वन बन जाएगा वापस, मतलब एक ही वैल्यू है बस। और स्पिन कैसे निकालेंगे एस वन प्लस एस टू, अब इस वाले फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इस वाले केस में हम ये प्लस वाला लगाते हैं और बाकी में समीकरण वाला लगाते हैं जब आयन में दिया होगा, तो एस वन माइनस एस टू इस तरह से करेंगे। स्पिन कितनी हो सकती है हाफ प्लस हाफ और लास्ट में हाफ माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगी जीरो। अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है वन, एल की वैल्यू जीरो के लिए एस होता है, वन के लिए पी होगा, और जो ये है एस की वैल्यू अगर वन रखेंगे तो थ्री पी हो जाएगा, एस की वैल्यू जीरो रखोगे तो वन पी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें इनके लिए निकालना है टर्म सिंबल्स, तो हमारी टर्म आई है अभी, तो टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे, पहले थ्री पी के लिए निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है वन और एल की वैल्यू है थ्री पी के लिए वन, ये भी वन है, तो कैसे निकालोगे जी की वैल्यू एस प्लस एल से लेके एस माइनस एल, वन प्लस वन से लेके वन माइनस वन,
वन प्लस वन टू, इधर जीरो, ए माइनस करो वन, वन माइनस वन जीरो, तुम्हारे पास ये आ गए। अब हमारे टर्म सिंबल क्या हो जाएंगे, थ्री पी टू, थ्री पी वन और थ्री पी जीरो, ये बन गए। ये किसके टर्म सिंबल आ रहे हैं, किस वाले किसके हम बात करेंगे, तो ऐसे, ठीक है। ऐसे आप जो वन पी के लिए निकालोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग कितनी है जीरो, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है वन। अगर आप जे निकालोगे, जे के लिए फिर से एस प्लस एल करोगे अगर, तो जीरो प्लस वन वन, और वन माइनस जीरो भी वन ही आएगा, तो जे की वैल्यू आ गई वन। अब आप क्या करोगे, वन पी वन, ये हो जाएगी यहां से। तो अगर आपसे पूछा जाए एस वन पी वन के लिए, जिसका हम सोल्व कर रहे थे, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ टर्म सिंबल्स आपसे पूछा है, तो कौन से होंगे, ये फोर, तीन यहां से थ्री पी वाले और एक यहां से वन पी वाले। ऐसे ही सिमिलर वेज से आप क्या करोगे, ये वाले एग्जाम्पल सोल्व कर लोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी वीडियो, बस इतने एग्जाम्पल्स करें, आप ऐसे कर लो, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।